हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग मटन बोटी फ्राई बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मटन बोटी फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग हाफ के जी मटन बोटी लिया है, जिसको मैंने प्रेशर कुकर में 25 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉइल कर लिया है। 2 फाइनली चॉप किए हुए ऑनियन लिए है, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 4 चम्मच जितना ऑयल लिया है, थोड़े से धनिया के पत्ते लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिए हैं जिसको मैंने लॉन्ग शेप में काट लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा ऐड कर सकते हो। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बोटी फ्राई करने के लिए यहाँ पे 4 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अभी इसमें फाइनली चॉप किए हुए ऑनियन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। ऑनियन को अभी मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करते समय इसको इस तरह से बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो यहाँ पे ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। अभी इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है और 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को लो कर देना है और एक एक करके मसाले ऐड कर लेना है। 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेना है और 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लेना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा ऐड कर सकते हो। अभी सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। मसालों को मीडियम फ्लेम पे मिक्स कर लेना है। तो मैंने मसालों को मिक्स कर लिया है। अभी इसमें बॉइल किया हुआ बोटी ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। बोटी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बोटी को मैंने मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अभी इसको लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक कुक कर लेना है। कुक करते टाइम इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। तो इसको इस तरह से बीच बीच में स्टर करते हुए कुक कर लेना है। तो यहाँ पे लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, ओपन करके देख लेते हैं। अभी इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है और थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो इसको मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो ये मटन बोटी फ्राई बनके रेडी है। अभी इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटन बोटी फ्राई मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। तो अगर आपको और भी मटन की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है जो कम से कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके बना सकते हो। तो आप ये रेसिपी घर पे एक बार बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे। तो आप ये रेसिपी घर पे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।